आज मशहूर ज्योतिष आचार्य श्री पवन शर्मा के जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में यूथ, महिलाएं एवं बच्चे पधारे एवं ज्योतिष आचार्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित श्री सुरेश मिश्रा एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के संस्थापक श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी और GS फाउंडेशन के युवाओं का सहयोग रहा। जनता दरबार से बात करते हुए पवन शर्मा जी ने बताया कि वह अपना जन्मदिन सभी प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की एवं एक पेड़ एक जिंदगी का नारा दिया। वह सभी को वर्षारोपण करने का प्रण करने हेतु उत्साहित किया। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका जन्मदिन है, जन्मदिन आपका, बताएं सर, दो शब्द आप क्या कहना चाहेंगे सबको? देखिए, मेरे जन्मोत्सव पर मैं सभी प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करता हूँ और इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जन्मोत्सव हर व्यक्ति मनाता है, जन्मदिन मनाना चाहिए। मैंने ये प्रयास किया कि अपने जन्मोत्सव के माध्यम से मैं एक वृक्ष एक जिंदगी, वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ, और प्राणी मात्र के जीवन में हम खाने पीने में तो बहुत सारी चीज़ों की मतलब बरत सकते हैं सावधानी, उन चीज़ों को हम शुद्ध तरीके से खाने पीने में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें हमारा एनवायरनमेंट जो है अगर वो शुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए वृक्ष लगाएं। जितने भी लोग अपने शुभचिंतक होते हैं उनसे ये अपील करें कि भई आप, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, मेरे जन्मदिन पर आप एक वृक्ष लगाएं, मुझे एक फ़ोटो भेजें, तो वो हमारी पीढ़ियों तक हमें काम देगा और हमारे पर्यावरण को बचाएगा। इसी पहल के साथ में सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा हमने कि आपने जैसे बताया एक पेड़ एक जिंदगी, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। आप मुझे बताएं कि आपने जो आज ये रखा है तो कितने लोगों ने आज पेड़ लगाए होंगे या फिर अभी तक चल रहा है प्रोसेस या अभी? देखिए, ये प्रथम मुहिम है हमारी। पूरे राजस्थान भर में 10-5 हज़ार लोग मिलकर के कम से कम पेड़ लगा रहे हैं और लोगों के व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं। और मैंने यही कहा कि हमें उपहार, हम जब लेके जाते हैं, माल्या लेके जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, उसकी कोई निंदा नहीं है, लेकिन अगर वास्तविक उपहार है तो सुनिश्चित है कि आदमी वृक्ष लगाएगा, उसका पोषण करेगा, तो हमारा पर्यावरण पॉजिटिव होगा और सब लोगों को खुशहाली मिलेगी, प्रकृति समृद्ध होगी, हरित क्रांति आएगी, हरित प्रदेश होगा, तो उससे एक उमंग और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए ये मुहिम है और मैं प्रत्येक भारतवासी से यही कहूँगा कि हर व्यक्ति अपने मित्र के, अपने परिवारजन के जन्मदिन पर वृक्ष लगाए और उस वृक्ष को सींचे, 1-2 साल उसके लिए मेहनत करें, क्योंकि वृक्ष को भी बच्चे की तरह पाला जाता है। उसके बाद में एक नई जीवन, नई ऊर्जा और नया एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा लगा सर आपका प्रोग्राम देख के। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबके लिए आपने खाने का भी अरेंज किया हुआ है, काफ़ी लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस ये हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरे जो शिष्य मंडल के लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के जो इष्ट मित्र हैं, उन सभी लोगों ने, GS फाउंडेशन, करनी सेना, राम सिंह, सुदर्शना, इन बना सभी लोगों ने मिलकर के आयोजन रखा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।